बिग बॉस ओडीटी सीजन 3 खत्म हो चुका है, थैंक गॉड। काफी मुश्किल से हमने इसके सारे एपिसोड्स देखे क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज्यादा बोरिंग था, लेकिन अब एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है फॉर ऑल द बिग बॉस फैंस आउट देयर। क्या है ये खुशखबरी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, इट्स मी प्रिशा एंड यू आर वॉचिंग अनकट। सलमान खान के बिना बिग बॉस इज लाइक बिना चीनी वाली चाय। ये हेल्थ के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल बेस्वाद है और हमें सिर्फ क्रेव कराता है और एंटरटेनमेंट और ज्यादा लड़ाइयों के लिए। लेकिन ये बिना चीनी वाली चाय हमें और ज्यादा नहीं सहनी है क्योंकि सलमान खान वापस आ रहे हैं बिग बॉस 18 के होस्ट बन के। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, एंड ऑल्दो अभी तक चैनल ने इस पर कोई भी गो अहेड नहीं दिया है, लेकिन जितने भी सोर्सेज और खबरें सामने आ रही है उससे यही लगता है कि सलमान खान इज गोइंग टू बी बैक एज द होस्ट ऑफ बिग बॉस सीजन 18। और जो भी कह लो यार, ये जो टीवी वाला वर्जन है ना, दिस इज ऑलवेज ग्रैंड एज कम्पेयर टू द ओटीटी वन, क्योंकि ओटीटी में हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को जिसे लोग पहले से नहीं जानते। और जो भी कह लो यार, बिग बॉस को देखने का मजा टीवी पर है ना अपनी फैमिली के साथ, भाई साहब वो ओटीटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ओटीटी में जो कंटेस्टेंट लाइनअप होता है वो काफी ज्यादा अजीबोगरीब होता है। मतलब ऐसे पता भी नहीं चलता कि कौन लोग आने वाले हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ क्रिएटर्स होते हैं, और कुछ ऐसे डूबे हुए गड़े मुर्दे होते हैं जिन्हें उखाड़ के भी बाहर ले आओ तो भी समझने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन बिग बॉस सीजन 18 में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। नाउ ऑल्दो दिस लिस्ट इज नॉट कंफर्म्ड, लेकिन जो भी टेंटेटिव लिस्ट है उसमें से कुछ ऐसे नाम है जिन्हें लेकर मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर इन कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है अर्जुन बिजलानी। ये भैया अपने टीवी करियर में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफी क्यूट पर्सनालिटी है इनकी। लोग इन्हें जितना टीवी पर देखना पसंद करते हैं उतना ही पसंद करते हैं इनकी होस्टिंग को। तो जब ये घर के अंदर आएंगे तो ये देखना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अर्जुन अपने ओपिनियंस कैसे आगे रखते हैं और लड़ाइयों से कैसे खुद को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जो भी कहो यार, ये मुझे बिल्कुल भी वायलेंट तो नहीं लगते। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव दलजीत कौर। ये साल दलजीत के लिए काफी ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा टायरिंग रहा है मेंटली, क्योंकि जिस तरह की खबरें उनके पति को लेकर सामने आ रही हैं वो कंट्रोवर्सी पता नहीं कब शुरू हुई थी लेकिन अभी तक चल रही है। और इस बीच दलजीत के इंस्टाग्राम पर हम ये तो देख ही सकते हैं वो कितना ज्यादा दुखी है अपने पति की हरकतों से, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दलजीत को अपना कमबैक करना है और अपने पति को ये दिखाना है दैट आई एम बेटर विदाउट यू, देन दलजीत कैन बी अ वंडरफुल एडिशन टू दिस शो। तो दलजीत की एक्चुअल स्टोरी आखिर क्या है और क्या वो इमोशनली एक्चुअल में उतना स्ट्रॉन्ग है जितना वो सोशल मीडिया पर दिखाती हैं, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। देन वी हैव लाइफ इन अ मेट्रो की फेम शाइनी आहूजा इन द लाइनअप। शाइनी आहूजा काफी ज्यादा फेमस थे एक टाइम पर जब वो कंगना रनौत के साथ दिखते थे, जब वो शिल्पा शेट्टी के साथ फिल्में कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बिल्कुल गायब हो गए, ना वो हमें टीवी में दिखे ना किसी म्यूजिक वीडियो में। बट इनका टैलेंट अब लगता है वेस्ट नहीं जाने वाला है क्योंकि इनका नाम भी इस कंटेस्टेंट लाइनअप में शामिल है, और जिस तरह से शाइनी का करियर फिलहाल रहा है हो सकता है कि वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर ले। तो शाइनी अपनी शाइन कितनी देर तक बिखेर पाएंगे बिग बॉस के घर में, ये देखना भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और एक ऐसे एक्टर की कहानी जानना जो पहले बहुत अच्छा कर रहा था लेकिन बीच में गायब हो गया, ये तो हमेशा से मुझे पसंद है। इस टाइम हमें रणवीर शोले दिखे थे और उनके जो स्ट्रगल्स हैं उस बारे में हमने सुना था, वो अलग बात है कि पोस्ट इंटरव्यू थोड़ा बौखला गए हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस लाइनअप के फोर्थ कंटेस्टेंट की अगर बात करें तो वो है अभिषेक मलान, AKA द फुकरा इंसान। जी हाँ, ये बिग बॉस ओटीटी भी कर चुके हैं ऑपोजिट एल्विश यादव, और जहां लोगों ने इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था बिग बॉस ओटीटी वाले सीजन में, ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे क्योंकि एल्विश आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन ये कहना सेफ है कि अभिषेक एक बहुत ही तगड़े कंटेस्टेंट है और उनकी सारी क्वालिटीज इस बिग बॉस के घर में रहने लायक है। वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, कहीं ना कहीं फनी भी है और दिल के बहुत साफ है। तो अभिषेक अपना ये चार्म क्या बिग बॉस के घर के अंदर फैला पाएंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्सटन, जिन्हें एल्विश यादव से थप्पड़ पड़ा था, उनकी भी बात चल रही है कि उन्हें भी इनवाइट किया है टू कम इन दिस बिग बॉस सीजन 18। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये फेक र्यूमर है क्योंकि बिग बॉस ओटीटी में भी उनकी बात हो रही थी और कहीं ना कहीं वो ओटीटी के लिए ही बने हैं, बिकॉज ही इज अ यूट्यूबर और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। He was fit for the OTT season, लेकिन क्या वो टीवी पर दिखेंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। अगर एक और इंटरेस्टिंग बंदे की बात करें तो गुरुचरण सिंह, जो कुछ टाइम पहले गुम हो गए थे क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा डेब्ट्स थे, बहुत ज्यादा लोन्स थे, वो भी इस शो का पार्ट बन सकते हैं।
गुरुचरण सिंह ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जितनी फेम कमाई है उससे कई ज्यादा वो बिग बॉस में कमा सकते हैं अगर वो अच्छा खेले, और साथ ही उनके डेप्थ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो हो सकता है कि हमें गुरुचरण सिंह भी घर के अंदर दिखें। जिसके बाद करण पटेल और समीरा रेड्डी, ये वो दोनों उन फेसेस हैं जिनको सबने देखा है, और जो लोग पुरानी फिल्म के शौकीन हैं या पुराने टीवी सीरियल्स देखते आए हैं उन्हें तो पता ही है कि ये दो पर्सनालिटीज कौन है। ऑल दो समीरा रेड्डी ने शायद बिग बॉस में आने से मना कर दिया है, ऑल दो उनको इन्वाइट भेजा था, लेकिन क्या समीरा रेड्डी हमें इन दी एंड बिग बॉस के घर में दिखेंगी, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। आप किस कंटेस्टेंट को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस बार आप बिग बॉस सीजन 18 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी गॉसिप दे दो यार। अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा ये अपडेट आपको पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर व्यूज बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू अनकट।